हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जा रही फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो बच्चों अभी हम लोग हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को तीन आइसोमेरिज्म पढ़ा चुकी है ना मैम। कौन कौन सा आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को? सबसे पहले तो मैंने आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखाया। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? ऐसे कंपाउंड, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनकी क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, डिफर करेगा। वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक होता था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने क्या पढ़ाया था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फाइव पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला पोजिशन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या था? पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशन आइसोमेरिज्म, तीसरा था आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म एंड पांचवा टिटोमेरिज्म। ये हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तक पढ़ लिया ना। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म का फॉर्म ही क्या होगा इसमें? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा। क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट इसमें क्या है, अल्काइल चेन के ऊपर डिपेंड करता है। अल्काइल चेन जो है साइड बाय साइड किसी फंक्शनल ग्रुप में अल्काइल चेन जो है सो कैसे ऐड है उस पर डिपेंड करता है। इट मींस देखिए मैंने लिख लिया है क्या, इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। किसी भी जैसे फंक्शनल ग्रुप है और उसके दोनों साइड में कितने कितने अल्काइल चेन जुड़ा हुआ है इस पे डिपेंड करता है। इसके कारण एराइज होता है क्या? मेटामेरिज्म। क्या बोले? फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है बट अल्काइल चेन किधर कितना जुड़ा हुआ है इससे मेटामेरिज्म या मेटामर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विच सो मेटामेरिज्म। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मेटामेरिज्म शो करते हैं कौन कौन से हैं? पहला क्या है? ईथर। दूसरा क्या है? थायो ईथर। तीसरा क्या होगा? सेकेंडरी एमाइन। चौथा टर्शरी एमाइन। इसके बाद कीटोन। ये सारे क्या है? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जो क्या दिखाते हैं? मेटामेरिज्म दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए मैं बताती हूँ, मान लीजिए C4H10NO, ये क्या है? ईथर। ईथर क्या है ना? अब इसको नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं CH2, क्या कह रहा है? कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा? ईथर बीच में है, इसे क्या लिखेंगे? डाई इथाइल ईथर। इसे क्या लिखेंगे बच्चों? डाई इथाइल ईथर। आगे बात समझ में? कार्बन की संख्या 1, 2, 3 एंड 4, हाइड्रोजन की संख्या 5, 5, 10 एंड ऑक्सीजन 1। अब देखिए इसमें इसका मेटामर्स क्या होगा, दूसरा मेटामेरिज्म इसका ही क्या होगा? देखिए अगर ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 O CH3, अब कार्बन की संख्या देख लीजिए 1, 2, 3 एंड 4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या 3, 3, 6, 4, 10 ऑक्सीजन 1। अब इसको क्या लिखेंगे बताइए? ये लिखाएगा मिथाइल, कार्बन संख्या 1, 2, 3, प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या हो गया? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब एग्जांपल देते हैं किस पे? कीटोन पे। किस पे देंगे? कीटोन पे। वही C4H10K एंड
क्या लगाएंगे, कीटोन का लगाते हैं ऐसे, इसका ऐसे करके। इसका एग्जांपल क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यही होता है ना। चलिए उसी पे डिपेंड करते, इसी पे करते। अब देखिए सी एच थ्री सी एच टू ठीक, एंड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब ये क्या हुआ बच्चों, इसको देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, किधर से ले आएंगे तो बीच में आएगा कीटोन। कीटोन का जो है, जब कीटोन के कार्बन, ये कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट किया जाता है तो सफिक्स क्या आता है बच्चों, याद होगा सबको, याद कर लिए होंगे सबने, वन ठीक, और नहीं तो कीटोन ही होता है ठीक। तो यहाँ पे जो है कार्बोजोएट बोलते हैं ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कार्बन की संख्या कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या लिखाएगा, पेंट सिंगल वन है तो एन का क्या है, कितने नंबर पे, तो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक, तो थ्री वन पेंटेन थ्री वन। अब इसका मेटापन निकाले देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कर है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। देखिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कितना, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सी सिक्स थ्री थ्री सिक्स, और कितना है टेन ट्वेल्व, ट्वेल्व है ट्वेल्व एच ट्वेल्व ओ, है ना। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है, बट नेम देखिए। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका नंबरिंग यहां से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो क्या लिखेंगे, पेंट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे सिक्स हो गया, यहाँ पे यहाँ फाइव, वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, पेंट सिंगल बॉन्ड एन, और ये वन एंड टू है, थ्री फोर एंड फाइव, तो क्या हो जाएगा, पेंट टू वन। आगे बात समझ में, कीटोन। सो और ऐसे ही प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, थायो अल्कोहल, थायो इथर, सबका ऐसे ही होगा। आगे बात समझ में बच्चों, ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं मेटामर। ये किस पर डिपेंड करता है, ये अल्काइल चेन पे डिपेंड करता है, जो फंक्शनल ग्रुप के किस साइड में कितना जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया, मेटामेरिज्म देख लिया विद एग्जांपल। अब आते हैं हम लोग किस पे, टोटोमेरिज्म, किस पे, टोटोमेरिज्म। तो चले स्टार्ट करें, चलिए टोटोमेरिज्म, इसका क्या है डिफिनेशन, द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही है, इन विच, जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडली इंटरकन्वर्सिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर लीडिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज टेटोमेरिज्म। वाइस वर्सा होता है, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम करता है। टेटोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करता है ठीक। तो ये फंक्शनल ग्रुप में एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पे जाएगा और दूसरे से तीसरे, जैसे कीटो से इनॉल फॉर्म में, इनॉल से कीटो फॉर्म में आ सकता है, वाइस वर्सा होता है ठीक है। इसमें अंकन क्या होता है, इफ द हाइड्रोजन एटम एसिलेट बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम, अगर हाइड्रोजन एटम जो है सो दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में एसिलेट करता है तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, और लिंक रहता है तो ये सिस्टम कहलाता है डाइड सिस्टम। एंड अगर यह हाइड्रोजन एटम इज अ चेन, द सिस्टम इज अ ट्राइड सिस्टम, और चेन में रहे तो ट्राइड सिस्टम करता है। टेटोमर क्या होता है, एक फॉर्म फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, फिर दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में आ जाना, इक्विलिब्रियम स्टेबल करता है ठीक है। इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं, क्या, ट्यूटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है,
ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिनके पास एटलीस्ट कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो ही। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मालूम है, मैं पढ़ा चुकी हूं क्या, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन इन द सेंस जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड चाहिए जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जितना खेला होगा वो सारा उस अल्फा हाइड्रोजन पे ही डिपेंड करता है। आगे बात समझ में? तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं पहले कुछ कंडीशन बता दूंगी उसका, वो कंडीशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं विथ मैकेनिज्म आपको बता दूंगी जो कैसे टेटोमेरिज्म होता है और टेटोमर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो चले स्टार्ट करें। चलिए तो टेटोमेरिज्म का क्या है कंडीशन, मेन कंडीशन क्या है, देखिए मेन इसका दो कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है अ कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी तो हाइड्रोजन का क्या होगा, एक पोजीशन से दो पोजीशन तक ट्रांसफर होगा, रिलीजिंग होगा, है ना। इसमें कम से कम ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरा क्या है, उसमें कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तीसरा है क्या, ये इंटर कन्वर्जन जो होता है टेटोमर किसके द्वारा, या तो एसिड होगा या बेस, मालूम है एसिड क्या, जिससे क्या होगा, बेस OH देता है, OH आयन, और एसिड H प्लस आयन देता है, ये तो हम लोग को मालूम है ना। बेस क्या देता है, OH माइनस आयन, और एसिड H प्लस आयन देता है, ठीक। तो चले स्टार्ट कर, इसका विथ एग्जांपल मैं बताती हूँ। चलिए तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मैंने बताया क्या, लाइक क्या क्या होना चाहिए, या तो कीटोन ग्रुप होगा, या नाइट्रो ग्रुप होगा, या साइनाइड ग्रुप होगा, जो क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब हम कीटोन पे करते हैं, देखिए विथ एग्जांपल, ये देखिए जैसे ये रहा कीटोन R, यहाँ CH CH2 होना चाहिए ना, तो CH2 होगा, तो इस एक H को मैं यहाँ ऐसे करती हूँ। आगे बात समझ में, कीटो ग्रुप, एंड यहाँ मैं फिर यहाँ R लगा देती हूँ, या ये R छोड़ो यहाँ पे लगा देती हूँ CH3, ये CH3। आगे बात समझ, ये कीटो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये कीटो फॉर्म है। अब इसका क्या फॉर्म में होगा, ये कीटो फॉर्म है, इसको इंटर क्या इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कैसे, ये H चला जाएगा O के पास, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कैसे, यहां मान लीजिए हम बेस क्या ले लेते हैं, बेस कैटलाइज ले लेते हैं, जो क्या है OH, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, ये हाइड्रोजन टूट के इसके पास आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। आगे बात समझ, जैसे ही डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींचा, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक, और ये एच जो है सो टूट के कहां गया, यहां पे आके टूट गया, और बन जाएगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3, ये कहलाया इनोल फॉर्म। ये मैंने वैसे ही बताया, अब मैं विथ मैकेनिज्म बताऊंगी। आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म से फिर वापस कीटो फॉर्म में भी आ सकता है। तो चले बारी बारी से हम लोग क्या देख लेते हैं विथ मैकेनिज्म, पहले एसिड या पहले बेस के फॉर्म में करके देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो अब मान लीजिए यहाँ पे पहला मैंने क्या लिया, बेस, यहाँ मैं बेस का फॉर्म कर लेती हूँ, बेस में, बेस में कोई जाने देता है, ये रहा CH3, यहाँ C, यहाँ H में लिखती हूँ, C डबल बॉन्ड को
यहाँ सी एफ सी। अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, बेस। बेस क्या करता है, ओ एच माइनस आयन, ओ एच माइनस आयन। अब ये क्या फॉर्म है, इसके पास मालूम है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर टू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, अब ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का ये प्रॉपर्टी है, उसका एक गुण है, वो एक बार इलेक्ट्रॉन लेता है, एक बार छोड़ता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे लिया तो कार्बन के पास क्या हो गई, बॉन्ड। यहाँ पर मैं बारी बारी से करके दिखा देती हूँ, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ही लिया, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, वन। ठीक, वन टू थ्री। अब ये बॉन्ड तो कार्बन तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा ना, कैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और ये एच प्लस फॉर्म में निकल गया। अब एच प्लस फॉर्म में निकल गया तो कहाँ पे गया, यहाँ पे चला गया, बन गया एच टू ओ, माइनस एच टू ओ के रूप में निकलेगा ये। वाटर आ गया, माइनस एच टू ओ, एच प्लस ये हम यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, यहाँ पे आराम से लिख देते क्या, ओ एच माइनस मेरा है, ये ओ एच माइनस है जो हमें बेस से मिला है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अंत में जब ये टूटा तो कहाँ गया, यहाँ पे गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये एच टू ओ के फॉर्म में यहाँ निकल गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ जो है उस पे माइनस चार्ज आ गया, क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, एंड ये तो डबल बॉन्ड है ही, सॉरी हाँ माइनस चार्ज, ये सी एच थ्री। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उस पे भी माइनस चार्ज आ गया, सॉरी इस पे प्लस चार्ज आ गया है, क्योंकि ये ले लिया है ये इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया प्लस चार्ज, तो एक तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उस पे प्लस चार्ज खतरनाक हो गया, तो ये चाहेगा ये अपना प्लस चार्ज हटाना, वो अब कैसे हटेगा, वो कैसे हटेगा, तो यहाँ में वाटर तो है ही ना, वाटर में क्या रहता है, एच ओ और दो एच रहता है, यहाँ ओ एक एच और यहाँ एक एच। ठीक, तो ये क्या किया, यहां से एक एच को अपनी तरफ ले लिया और ये फिर माइनस ओ एच फॉर्म में निकल गया, और कौन सा फॉर्म बन गया बच्चों, यहाँ पे इनॉल फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी, यहाँ ओ एच एंड यहाँ सी एच थ्री, बन गया इनॉल फॉर्म। ये विथ मैकेनिज्म है, ये क्या विथ मैकेनिज्म, मैंने बताया क्या, यहाँ ओ एच है, कहाँ से मिला, बेस से मिला है, और वो क्या किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो होती है प्रॉपर्टी, एक बार ऑक्सीजन छोड़ता है, एक बार ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, एक बार ऑक्सीजन अपने तरफ खींचा, एक तरफ लिया, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये छोड़ना ये करना करने वाला ग्रुप, तो ये क्या किया, यहाँ से जैसे अपना वैलेंसी कार्बन कंप्लीट किया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, किसमें, ओ एच टू, एच टू के ग्रुप में निकल गया। अब फिर चूंकि ये एक बार इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, वो उसको तो चाहिए ही जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे उसके पास ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, इस अपना प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या किया, यहाँ जो वाटर है इसमें से वापस एच ले लिया, और जैसे ही एच लिया तो इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। जैसे यहाँ पे ये बेस लिए तो ओ एच मिला, यहाँ पे अगर एसिड लेंगे हम, दूसरा एसिड, तो सेम तो होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एच प्लस रहेगा, यहाँ ओ एच मिला है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच प्लस रहेगा, एच प्लस रहेगा और माइनस एच थ्री के रूप में निकलेगा, कैसे रहेगा, यहाँ एच प्लस रहेगा और ऊपर से क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे जैसे इस पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे तो ये रहा ही, जैसे ही प्लस चार्ज आया यहाँ पे
पे प्लस चार्ज है, एक वाई इलेक्ट्रॉन लिया, एक वाई इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये माइनस, ये एच प्लस के रूप में तो यहाँ है, ये एच बाहर हो गया ठीक, और ये एच जो है कहाँ जाके मिल गया, इसके पास जाके मिल गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ने और लेने में ये प्लस चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन जो है ये एच प्लस, ये जाके इसके पास आ गया हाइड्रोजन के पास, और वापस इसका फॉर्म हुआ इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन। आगे बात समझ में इतना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने विथ मैकेनिज्म दोनों देख लिया, कैसे इनोल फॉर्म का कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। चूंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है इसलिए कीटो इनोल बनते हैं, कीटो की जगह पर साइनाइड रहे तो साइनाइड इनोल फॉर्म बोल देंगे, इनोल नहीं होगा साइनो फॉर्म बोल देंगे ठीक है। ऐसे जैसे अगर अल्कोहल रहा तो ऑल फॉर्म बोल हो जाएगा, कीटो इनोल ऐसे करके कुछ होगा ठीक है, मैं आगे बताती हूँ, आगे चले चलिए। अब ये देखना है जो इसमें से किसका ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कौन होगा और कौन नहीं, तो कंडीशन सब पे अप्लाई होता है कि नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन है CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड एसीटोन सॉरी एसीटोन ठीक। अब यहाँ देखिए क्या इसमें बनेगा इनोल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पे इनोल फॉर्म बनेगा और क्या बनेगा, H2C डबल बॉन्ड C यहाँ OH यहाँ H। आगे बात समझ में बच्चों, बनेगी नहीं है। अब देखिए 1 2 कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा 1 में इथेन इथीन 1 इथिनॉल इसे इथिनॉल बोलेंगे इथिनॉल ठीक। अब यहां देखिए हेक्सेन है कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6, अब इसमें बनेगा कि नहीं, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये भी एडजेसेंट कार्बन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, यहाँ पे OH ठीक, और यहाँ पे जस्ट बगल में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा ठीक। तो ये तो इस H को ही मैंने यहाँ शो किया था, तो इसको क्या कहेंगे, इसके ने, इसका नेम क्या होगा बच्चों, तो इसको बोला जाएगा साइक्लोहेक्स, यहां पहले पे ही है साइक्लोहेक्सिनॉल, क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्सिनॉल ठीक। अब इसमें बताए क्या इसमें बनेगा, हाँ यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी सेम होगा लेकिन पोजीशन सिर्फ चेंज होगा, सिर्फ क्या होगा पोजीशन चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड का, कहाँ लगेगा डबल बॉन्ड, ये OH यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ठीक, इधर से ही करेंगे, ये भी वही हो गया साइक्लोहेक्सिनॉल, बट क्या यहाँ पे बनेगा इनोल फॉर्म का, इसकी तो फॉर्म का इनोल फॉर्म फॉर्मेशन कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ये दो लाइन जो है ये यानी कि क्या डिनोट करता है, ये मिथाइल ग्रुप को डिनोट करता है, यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा नहीं बनेगा कौन सा इनोल फॉर्म। तो इस तरह से आए हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में, अब क्लास बड़ा हो गया तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है या कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, इसीलिए ये सब जानने के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।